कनक बिंदु दुई चारे दे साम लेखे सिया साम लेखे कनक बिंदु दुई चारी देखे राखे शीश सीय सम लेखे स्वर्ण बिंदुओं में श्री सीता माता का दर्शन हो गया भरत जी को, श्री राम घाट में श्री राम जी का दर्शन हो गया भरत जी को, और निखाद राज में श्री लक्ष्मण जी का दर्शन हो गया श्री भरत जी को। तो जिन भरत को निखाद राज में लक्ष्मण जी दिखाई देते हों, राम घाट में राम जी दिखाई देते हों, स्वर्ण बिंदुओं में सीता जी दिखाई देती हों, उनको अगर प्रभु प्रदत्त पादुका में अगर सीताराम जी दिखाई दें तो कौन सा आश्चर्य है। इसलिए प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, भगवान की दृष्टि में तो पादुका थी पर भरत जी की दृष्टि में तो श्री सीताराम है, इसलिए सादर भरत शीश धरी लीनी। यह है श्री भरत। सवेरा हुआ, यात्रा शुरू हुई, सभी सवारियों में बैठकर जा रहे हैं। भरत जी पहले दिन तो रथ में बैठ गए पर आज मन नहीं था रथ में बैठकर जाने का। राम पयाद ही पाए सिधाए, हम रथ में बैठ गए। श्री भरत उस दिन पैदल चले लेकिन किसी को पता नहीं चला। पता तो शाम को चला कि भरत पयाद ही आए आजू। क्यों? क्योंकि भरत जी के जीवन में त्याग भी स्वाभाविक है, त्याग का दिखावा नहीं है। जब जब कोई ऐसा विशेष काम करता है, हर किसी की बात मैं नहीं कह रहा हूं पर प्रायः हमारे जैसे आदमी के मन में ये होता है कि लोग अब देखें कि अब हम क्या कर रहे हैं। देखा ना, देखा। दंभ लेत अंजोरी, दिखावे की वृत्ति। लेकिन भरत जी दिन भर पैदल चले पर कोई देख नहीं पाया। उनको पता ही नहीं है कि मैं त्यागी हूं, पर त्याग तो है पर त्याग का अभिमान नहीं है। एक बार एक महात्मा के पीछे एक सज्जन पड़ गए, गए सो बस इतने कहे, आप बहुत बड़े त्यागी, आप तो बहुत बड़े त्यागी, आप बहुत बड़े। अब महात्मा सोचने लगे कि भैया बंद कर, अब राम कृष्ण शिव कोई बात कर, सत्संग की बात कर, ज्ञान में। ओ नहीं, आपसे बड़ा कोई त्यागी नहीं, आपसे बड़ा कोई त्यागी नहीं। अब महात्मा कब तक अपनी प्रशंसा सुने, आप बहुत बड़े त्यागी आपको। महात्मा ने पीछा छुड़ाने का एक ही उपाय सोचा। महात्मा ही ने उसके हाथ जोड़ लिए, सिर झुका दिया। अरे बोले महाराज क्या कर रहे हो, क्या कर? बोले तुम क्यों सिर झुका रहे हो? बोले आप त्यागी हैं इसलिए। महात्मा बोले हम त्यागी तो महात्यागी, इसलिए इसलिए प्रणाम, तुम्हारे जैसा महात्यागी कोई नहीं। अब वो घबराए, महाराज हम महात्यागी कैसे? महात्मा बोले तो हम त्यागी कैसे? वो बोला आपने भगवान के पीछे संसार को छोड़ दिया। तो बोले ये बताओ संसार कीमती की भगवान? बोले भगवान कीमती। तो महात्मा बोले हमने तो भगवान के पीछे संसार छोड़ा इसलिए त्यागी, लेकिन धन्य हो तुम महात्यागी। क्यों? बोले तुमने तो संसार के पीछे भगवान को ही छोड़ दिया, तो तुम तो बड़ी चीज छोड़ने वाले हो, हमने छोटी चीज छोड़ी है। तो हम तो त्यागी, तुम तो महात्यागी, हम ही तुमको प्रणाम करते हैं। अरे भाई बोलो, कोई 100 रुपए के पी मिल रहा हो और 100 रुपए पाने के लिए 5 रुपए छोड़ दे, तो क्या ये कहेगा कि मैंने 5 रुपए छोड़े?
मैंने। अरे भगवान को पाने के लिए, अनमोल हैं भगवान, और उनको पाने के लिए संसार की कुछ सामान्य चीजों का त्याग कर दिया तो काहे का अभिमान। भरत जी में त्याग है पर त्याग का अभिमान नहीं, छुप कर चलते हैं कि लोग हमें त्यागी न समझें। दिन भर पैदल चले, शाम को पता लगा कि भरत जी आज पैदल आए हैं। क्यों? झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोश ओसकन जैसे। ये तुलसीदास जी की उपमा देखो, पंकज कोश ओस कन जैसे। फफोले पड़ गए हैं चरण में, ऐसे लगता है जैसे कमल के कोश में ओस की बूंदें हों। अच्छा, कमल सरोवर में खिलता है, सरोवर का जल कैसा? बोले नीला। तो भरत जी का जो शरीर है उसकी आभा भी तो राम जी जैसी है। भरत राम ही की अनुहारी, और राम जी कैसे हैं? नील सरोरोह नील मणि, नील नीरधर श्याम, नील नीरधर हैं। तो यह भरत जी का जो चरण है उसका ऊपरी हिस्सा नीला नीला है, यह मानो सरोवर के जल की तरह है, और पग तल लालिमा लिए हुए है। तो मानो इस सरोवर के जल में ये लाल कमल खिला है, और इसमें जो फफोले पड़कर फूट गए हैं और वो जो जल बह रहा है यही मानो ओस के कण हैं, पंकज कोश ओस कण जैसे। लेकिन चरण में फफोला पड़ता है और फूटता है तो जो पीड़ा होती है, तो भरत जी की तो चौगुनी पीड़ा बढ़ जाती है कि जब मुझे इतनी पीड़ा हो रही है तो श्री राम जी के चरणों को कितनी पीड़ा हुई होगी। क्योंकि भगवान से ज्यादा कोमल किसी के चरण नहीं, भगवान से अधिक कोमल किसी के चरण नहीं। क्यों? प्रमाण है। कैसे? सबसे कोमल कमल, और कमल से कोमल कमला लक्ष्मी जी। क्योंकि कमल से कोमल न होती लक्ष्मी जी तो कमल उनका आसन कैसे बनता? कमल पर विराजमान है। तो सबसे कोमल कमल, और कमल से कोमल कमला, और कमला से भी कोमल कमला के कर कमल। कमल कोमल, कोमल कमल से अधिक कोमल कमला, और कमला से भी कोमल कमला के कर कमल। और उन कर कमलों के द्वारा जब भगवान नारायण का पाद संवाहन किया जाता है, चरण दबाती हैं लक्ष्मी माता, तो जो चरण कमल कोमल कमला के कोमलाति कोमल कर कमलों के द्वारा संवाहित होने पर लाल लाल पड़ जाते हों, वे चरण कितने कोमल होंगे यह विचार ही कर लें। और उन कमल कोमल कमला के कोमलाति कोमल कर कमलों के द्वारा संवाहित होने वाले चरणों को निरावरण वन में विचरण करना पड़ा। भरत जी की यही पीड़ा है, राम लखन सिय बिनु पग पनही, करी मुनि वेश फिरहीं बन बनही। तुलसीदास जी कहते हैं, भरत तीसरे पहर कहां कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। श्री भरत तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करते हैं, गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम। मुझे लगता है कि संगम का दर्शन तो हम लोगों में से प्रायः सभी ने किया होगा, हजारों ने देखा संगम को, तीर्थराज प्रयाग को। लेकिन जैसा श्री भरत जी ने देखा वैसा प्रयाग को आज तक शायद किसी ने ना देखा हो। भरत जी की दृष्टि है, उन्हें क्या दिखाई पड़ा? गंगा जी, यमुना जी, गंगा जी की धवल धारा,
यमुना जी की श्याम धारा। बस भरत जी को लगा यमुना जी की श्याम धारा देखकर राम जी की याद आ गई, गंगा जी की धवल धारा देखकर श्री सीता जी की याद आ गई। तो नहीं, गंगा यमुना नहीं दिखाई दे रहे हैं, भरत जी को तो श्री सीता राम जी दिखाई दे रहे हैं। देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। तीर्थराज प्रयाग को देखा, भरत जी हाथ जोड़कर धरती पर सिर रखकर एक ही प्रार्थना करते हैं, कुछ मांग रहा हूं, मांगू भीख भीख भीख, मांगू भीख भीख मांग रहा हूं। तीर्थराज प्रयाग से आवाज आई, भर तुम क्षत्रिय हो, अब भीख मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रिय और भीख मांगे? भरत जी बोले, मांगू भीख त्याग निज धर्म, धर्म छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर भीख मांग रहा हूं, तो यह तो कुकर्म है। हां जानता हूं, पर आरत काहना करई कुकर्म, दुखी प्राणी क्या कुकर्म नहीं करता, मैं धर्म छोड़कर भीख मांग रहा हूं। तीर्थराज प्रयाग भी मानो पुलकित हो गए, मांगो क्या चाहिए। भरत जी बोले, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं, कोई कामना नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो अगला जन्म चाहते हो? हाँ, तो अगले जन्म में मुक्ति चाहते हो? किस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मुक्त हो जाए। भरत जी बोले, नहीं, उस जन्म के बाद फिर जन्म चाहता हूं। अच्छा, तीसरे जन्म में मुक्ति? बोले ना, फिर जन्म। कितने जन्म? बोले बस जन्म ही जन्म होते रहे। किसके लिए? मुक्ति नहीं चाहते ना, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना आ, बस जन्म होते रहे और जन्म जन्म राम जी के चरणों में। हमको भी लगता है कि हम लोग भी शायद ऐसे ही सोचे। जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु साह समरिया तुलसीदास के राम, अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं, जब जब आ जन्मूं इस जग में पद पंकज के पास रहूं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान लाल, राम जी के चरणों में प्रीति मिले। तीर्थराज प्रयाग बोल पड़े, तात भरत तुम सब विधि साधु। किसी ने कहा कि साधु और सब विधि से, साधु कह देने काफी था, सब विधि। इसलिए क्योंकि यहां तीन धाराएं हैं, गंगा जी यमुना जी सरस्वती जी। गंगा जी भक्ति की धारा है, यमुना जी धर्म की धारा है, और सरस्वती जी ज्ञान की धारा है। तो मानो गंगा जी ने कहा कि भरत तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो,
यमुना जी ने कहा तुम धर्म की दृष्टि से साधु हो, और सरस्वती जी ने कहा तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु हो, और तीनों ने मिलकर जब यह बात कही तो तीर्थराज प्रयाग बोले तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो वैसे ही है। कुछ भक्त लोग बड़ी विचित्र बात कहते कि भरत जी ने संगम स्नान ही नहीं किया, संगम नहीं नहाए। सविधि सीता सीत नीर नहाने, सविधि सीता सीत नीर नीर, सविधि सीता सविधि सितासित नीर नहाने। कुछ भक्त इसका अर्थ करते हैं संगम में नहीं नहाए, कहां नहाए, सित असित नीर, श्वेत अश्वेत जल में, तो श्वेत धारा गंगा जी की और अश्वेत श्याम धारा यमुना जी की, यह कुछ भक्तों का भाव है। तो भरत जी ने गंगा जी में डुबकी लगा ली और फिर चले गए तो यमुना जी में डुबकी लग ली। किसी ने भरत जी से कहा कि वहां क्यों नहीं जाते संगम, वहां नहाओ ना। भरत जी बोले वहां नहीं जाएंगे। कहा क्यों, बोले वहां तीसरी भी है। कौन, बोले सरस्वती जी। तो बोले वहां स्नान क्यों करने क्यों नहीं जाते, बोले इन्हीं सरस्वती जी की वजह से तो इतना उपद्रव अयोध्या में हुआ है। तो भाई वहां स्नान करने से क्या बिगड़ जाएगा, क्या बिगड़ेगा अगर स्नान वहां कर भी लेंगे। भरत जी बोले कि जिन सरस्वती जी के कारण मेरी माता की बुद्धि बदल गई, और कहीं मैं स्नान करूं तो मेरी भी बुद्धि ना बदल जाए। तो ऐसी सरस्वती, ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति को भगवान से दूर कर दे, ऐसे ज्ञान को तो दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए।